हेलो एवरीवन, सबसे पहले मेरे बड़ों को, मेरा पहला आगो छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। मैं स्वरा रोशन कोहली स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वरा कोहली ब्लॉग्स में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी 8:30 बजे से। बाकी अभी हम लोग हॉस्पिटल के लिए तैयार हो रखे हैं। कल मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि कल दिन भर बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी, सारांश की भी, मेरी भी और मम्मी की भी। तो फिर अगर तबीयत ख़राब हो तो ऐसे में फिर मूड कितना चिड़चिड़ा सा हो जाता है, मतलब कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। सारांश की भी तबीयत ऐसी हो रही है, कल से तो बहुत परेशान करने में पड़ा है। तो आज हम सब हॉस्पिटल दिखाने जा रहे हैं। बड़ी आफत आ गई, अभी सुबह जल्दी उठ गए थे 5:30 बजे, तब से फटाफट काम वाम किया, नाश्ता सब बनाया। नाश्ता करने का मन भी नहीं हो रहा था पर ज़बरदस्ती एक रोटी खा के गए हैं मम्मी मैं सारांश ने। तो अभी कुछ भी नहीं खाया, अभी थोड़ी देर पहले उठा था। इसकी आंखें देख सकते हो सूज के कितनी बड़ी हो रखी है, आधा मच्छर ने भी चटका दिया, मच्छर ने भी इसको काट काट के ऐसे हालत ख़राब कर दी है इसकी। बाकी फिर तबीयत से भी, तबीयत ख़राब होने से भी बहुत चिड़चिड़ा हो रखा है। बाकी अभी हम सब गाड़ी का वेट कर रहे हैं। अभी ये मम्मी तो चले गए आगे रोड में, मैं और सारांश अभी जाने वाले रोड। मैंने कहा एक बार ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देती हूँ, फिर उसके बाद से हॉस्पिटल में फिर ऐसे ही तबीयत ख़राब हो रही है। फिर वहाँ तो ऐसे ही चिड़चिड़ा हो, कुछ करने का मन भी नहीं करता फिर। तो अभी हम जा रहे हैं कि अब तक गाड़ी भी आ जाए, रोड यहाँ से थोड़ा आगे पे है तो अब चलते हैं। ये इसके हालत, दरवाज़ा दरवाज़ा पे कुछ भी बंद नहीं कर रखा है। मम्मी कह रहे थे जल्दी दरवाज़ा बंद करके आ, मैं यहाँ ब्लॉग स्टार्ट करने में पड़ी हूँ। अभी हम बैठ गए गाड़ी में, इतनी बड़ी गाड़ी टाइटन में। यहाँ देखो बाबू, दिखा दो अपना मुंह, दिखा दो। अभी हमारी गर्मी से हालत ख़राब होनी शुरू हो गई है, देख सकते हो गाड़ी में बैठते ही पसीना पसीना हो गया। सांस तो भी हो गया ना, मम्मी को तो मजे आ रहे हैं शायद गाड़ी में बैठ के। कराने के लिए क्योंकि मम्मी के कमर में काफ़ी टाइम से दर्द हो रहा था, तो कमर भी दिखानी थी और बाकी ये बुखार खा के दवाई ववाई भी लेनी थी। बाकी हमने दवाई ववाई ले ली है, अभी आ रहे हैं एक्सरे कराने के लिए, अभी नंबर आने वाला है हमारा। अभी मम्मी का एक्सरे हो गया है, बस अब रिपोर्ट आनी बाकी है। अभी हम सब यहाँ बैठ के वेट कर रहे हैं उनका। बाकी सारांश की तो नींद आ गई है, बहुत परेशान कर दिया था इसलिए अभी नींद आ गई। मम्मी अपनी रिपोर्ट के लिए इधर उधर चक्कर काटने में पड़े हैं। माँ नसें दबरी है आपको, नसें है ना, दबरी है, इसकी वजह से दर्द हो रहा है। ठीक है, दवाई दे रहे हैं हम और फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी आपको, दवाई दे रहे हैं और थेरेपी करानी पड़ेगी। ठीक है, हाँ मैम अभी हो जाएगी क्या थेरेपी 2 हफ्ते के लिए करानी पड़ेगी आपको। ठीक है, यहाँ पे हो सकते हैं आपका घर यहाँ पे पास में, 2 हफ्ते कराइएगा वहाँ से, एक्सरसाइज सीखना है और करते रहना है। यहाँ कहाँ होती है जो? वो बाहर से पूछ रहे ना, वो बता देंगे आपको किसी तरह भी कहाँ होती है। ठीक है मैम, और मालिश वालिश कर सकते हैं? नहीं, दवाई दे रही हूँ, दर्द की दवाई दे रही हूँ, वो लेना है और फिजियोथेरेपी करना है। ठीक है, अभी मम्मी की फिजियोथेरेपी चल रही है यहाँ पे। कमर की थोड़ी नसें दब गई थी ना, तो इसीलिए फिजियोथेरेपी करनी अभी 15 दिन के लिए स्टार्टिंग हमने आज से कर दिया है।
अभी हम मम्मी की थेरेपी करा के और दवाइयाँ लेके आ गए हैं बाहर पे। अभी गाड़ी का वेट कर रहे हैं, गाड़ी को फ़ोन तो किया, गाड़ी आने वाली है। पर ये शारांस इतना हरामी हो रहा है, ये इसने एक बड़ा सा चिप्स खाने के बाद भी इसको चैन नहीं है। सुबह गाड़ी जो पहुंचा के गई थी हमको, वही अभी लेने आने आ रही है। हमने फ़ोन किया था तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ओए क्या खा रहा है इधर देख, बाबा यहाँ देखो सारांश, बाकी सबकी दवाइयाँ तो मिल गई, बस सारांश की दवाई नहीं मिली ना। फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं घर। बहुत ज़्यादा थकान लग गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो गई है। सारा तो गाड़ी में उछलने लग गया था, बड़ी मुश्किल से लाए इसको ना बाबू। ओए मुझे मत मारना। टाइम पर पहुंचे अभी हम घर, हमें घर आए अभी 15-20 मिनट हो ही रखे हैं कि यहाँ बारिश होनी शुरू हो गई है। मतलब ठीक ही हुआ अगर बारिश हो रही थी, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि रहा ही नहीं जा रहा था बिना पंखे के, तो लाइट चले जा रही थी तो बड़ी बेचैनी हो जा रही थी। थोड़ा बारिश होगी तो मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। बाकी घर आने के बाद से मैंने दाल बना दी है और चावल चढ़ा रखे हैं, क्योंकि बहुत भूख लगी थी सुबह, थोड़ा थोड़ा ही खा के गए थे। बाकी अब बारिश का मज़ा लेते हैं, थोड़ा ठंडी हवाएँ आएगी। पर अभी तो थोड़ी थोड़ी आ रही है बारिश, थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा आ जाती तो फिर मौसम नॉर्मल हो जाता। अभी देखते हैं कि बारिश कितनी होती है यहाँ से। एक बार होने लग जाएगी तो फिर तो यहाँ देहरादून में रुकने का नाम नहीं लेती है बारिश। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, उससे पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, बारिश एक बार होनी शुरू हो गई थी फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया था। पर मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा, बस यही चाहिए। गर्मी से परेशान हो गए हम सब यहाँ। ये हमारा मैकेनिक है, किसी को अपनी गाड़ी ठीक करानी होगी तो उसके पास लेके आए। सारांश यहाँ देखो, बाबू यहाँ देखो, आप मैकेनिक हो है, गाड़ी ठीक करते हो आप। सारांश अभी सारांश चेक कर रहा है कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे है। अभी यहाँ पे मेरी दाल उबल रही है और यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा रखे हैं इंडक्शन में, और गैस पे दाल बन रही है। बहुत ज़्यादा भूख लग गई है इसीलिए दोनों चीज़ यूज़ कर रखी है, नहीं तो और दिनों तो हम एक चीज़ यूज़ करते हैं इंडक्शन। खाना बनाना, पानी वानी सब लाइट से करते हैं, बाकी गैस का यूज़ बहुत कम करते हैं, बस रोटी बनाने के लिए। बाकी आज बहुत तेज़ भूख लग गई थी ना, तो इसीलिए दोनों चीज़ें यूज़ कर रखी है। पहले तक थोड़ी नॉर्मल बारिश हो रही थी, अभी अब बारिश बढ़ने लग गई है। बाहर जाके बारिश में भीगने का मन कर रहा है, क्योंकि यहाँ तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। बारिश देख के एक अलग सी खुशी हो रही है। अभी अब ज़्यादा ज़्यादा बारिश बढ़ने लग गई है। बारिश का पड़ना ही चाहिए था हमको, ऐसे भी गर्मी से हालत ख़राब हो गई है यार। अभी हमने दिन का खाना ना भी खा लिया है, मम्मी थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं। मैंने भी सोचा था कि थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, पर सारा मुझे सोने नहीं दे रहा। हॉस्पिटल में दिन भर सोया था एक गोद में, और घर आके अब इसकी नींद ही गायब हो गई है और मुझे भी नहीं सोने दे रहा। अब वैसे भी उठने का टाइम हो ही गया है, 5 बजने वाला है, तो अब तो क्या ही सो। पर हॉस्पिटल जाके फिर थकान लग ही जाती है, फिर सो नहीं तो फिर रात में खाना ना खाने तक का तो ऐसा लगता है कि कब सो होती है। बाकी अब जो भी होगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन आज हॉस्पिटल में एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई हमारे साथ। हम वैसे घर से बहुत लेट गए थे, हमारी मतलब जो गाड़ी हमको लेने आई थी वो आई थी 9 बजे। वैसे हमने वहाँ जल्दी पहुँचना होता है, पर्ची कटाने के लिए लोग वहाँ 5-6 बजे पहुँच जाते हैं, ताकि हमारा नंबर जल्दी आ जाए और हम जल्दी दिखा के वापस आ जाए, नहीं तो बाद में बहुत भीड़ लग जाती। पर जैसे हम हॉस्पिटल में पहुँचे थे वहाँ काफ़ी भीड़ लग गई थी, मतलब 40-45 तक नंबर लग गए थे। फिर जब हमने पर्ची कटाई थी, पर्ची कटाने टाइम भी बहुत भीड़ लगी थी। फिर बाकी हमारे साथ ही हो गया। सारांश लो यहाँ,
तो वहाँ हमारे साथ ऐसा हो गया कि कोई हमको एक लेडीज मिली थी, उनका था 25 नंबर था उनका। तो उनका क्या हुआ कि उनको डॉक्टर के पास अपनी रिपोर्ट चेक करानी थी, पर तो उनकी रिपोर्ट ही नहीं आई थी। तो फिर वो मुझे मिली, जैसे मैं मतलब अंदर को जा रही थी नंबर लगाने के लिए, तो उन्होंने मुझे रास्ते में रोक लिया, बोला कि आपने अंदर दिखाना है। तो मैंने बोला हाँ। तो फिर उन्होंने बोला कि आप मेरा नंबर ले लो। फिर मेरे पहले कुछ समझ नहीं आया कि कैसा नंबर ले लो कह रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि मैंने अपना टेस्ट की रिपोर्ट दिखानी थी, कोई चीज़ का टेस्ट करा होगा उन्होंने तो उसकी रिपोर्ट दिखानी है, पर वो रिपोर्ट अभी मुझे मिली नहीं है। तो फिर मैं अपना नंबर खाली वेस्ट क्या करूँ, तो इसलिए आपको दे दूँ। उनका 25 नंबर था, फिर मैंने मेरी पर्ची खाली थी, मेरी पर्ची पे कोई नंबर नहीं था, मतलब मम्मी की जो पर्ची थी उस पे कोई नंबर नहीं था, क्योंकि हम उस टाइम में नंबर लगाने जाती थी उसमें। तो फिर मैंने उनका 25 नंबर ले लिया। फिर उसके बाद मैंने बोला कि कहीं कुछ पता चलेगा कुछ बोला, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, बस नंबर तो अंदर खाली 25 नंबर जैसे मुझे दे दिया, तो उनको कुछ पता नहीं चलता, आप ले लो 25 नंबर। मैं तो जा रही हूँ, 25 नंबर जब बोलेंगे तो उसमें कोई भी नहीं जाएगा अंदर, तो आप चले जाना। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है। फिर मैंने मम्मी के पर्चे में 25 नंबर करा लिया था, तो ऐसे ही फिर जल्दी आ गया था 25 नंबर, 20 नंबर तक तो वहाँ पे चल ही रहा था वैसे भी। तो इसके बाद जैसे अंदर गए तो कुछ देर में हमारा नंबर आ गया था, मतलब अच्छा हो गया हम टाइम पर हमारा नंबर आ गया था, क्योंकि फिर बहुत आफत आ जाती है बाद बाद में, ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है और फिर डॉक्टर लोग भी कहीं ओटी में कहीं और एमरजेंसी में चले जाते हैं, तो फिर दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर सारांश के साथ तो हमारा वैसे ही कहीं मुश्किल हो जाता है। इसको बाकी हमारा हॉस्पिटल का काम तो आज का हो ही गया है, और खाना वाना भी सब खा लिया, पर मैंने अभी अपने खाए हुए बर्तन नहीं धो लिया क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा था, बारिश वारिश हो रही थी। फिर मम्मी को भी रेस्ट चाहिए था, दवाई खाई थी तो मम्मी सो गई। फिर ये तो वैसे भी सो नहीं रहा था, मुझे लगा ये भी सोएगा तो मैं थोड़ी देर मैं भी इसके साथ सो जाऊँगी, पर ये खुद ही नहीं सोया, फिर मुझे क्या सोने देता है। तो अभी भी नहीं सो रहा है, अब मैंने काम करना वैसा ही है। बाकी अभी मम्मी उठेंगे तो फिर इसको मम्मी को देती हूँ, फिर मैं बनाती हूँ चाय और साथ ही बर्तन भी धोती हूँ। फिर मिलेंगे आपसे अभी थोड़ी देर में। अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और हमने खाना वाना सब खा लिया है, बाकी अभी सोने की तैयारी चल रही है। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है क्योंकि दिन में सोई नहीं और सुबह से मैं हॉस्पिटल में चक्कर काटने में थी, तो अभी बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, तो इतनी ज़्यादा नींद आ रही है कि मतलब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। बाकी आज का ब्लॉग बस यही तक था, कल मिलता है नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं कल, बाय।